फॉरबिसगंज प्रखंड के रामपुर उत्तर पंचायत के प्रावी फकीरना के पंचायत शिक्षक संजीत कुमार पर केस दर्ज हो गया है और वेतन मद की राशि वसूली करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह कार्यवाही अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पंकज कुमार गुप्ता की सुनवाई के बाद की गई। नियोजन इकाई ने 1 अक्टूबर से सेवा समाप्त करते हुए आरोपित शिक्षक के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया है। जांच में आरोपित शिक्षक संजीत कुमार का टीटी प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने का मामला सामने आने के बाद डीईओ राजकुमार ने बीते 9 जुलाई और 28 अगस्त को शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव को आरोपित शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दिया है, लेकिन लंबे समय तक नियोजन इकाई डीईओ की अनुशंसा का परवाह नहीं किया और कार्यवाही करने में आनाकानी करते रहे। आरोपित शिक्षक पर कार्यवाही नहीं होते देख फॉरबिसगंज के निपनिया बरहरा कोठी निवासी अरविंद पोद्दार ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद पत्र दायर किया है। सुनवाई के दौरान मामला सत्य पाया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद प्रखंड वीडियो को कार्यवाही कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश पारित किया गया। इसके शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव ने आरोपित शिक्षक संजीत कुमार के विरुद्ध 12 नवंबर को थाने में मामला दर्ज कराया और राशि वसूली का आदेश दिया। शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव के माध्यम कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। आरोपित शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और वेतन मद की राशि वसूली के लिए आगे की कार्यवाही की जा रही है। पंकज कुमार गुप्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया। कानूनी संघ न्यूज के लिए अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट।